पे आवर टॉपिक इज, जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमारा कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट पे है. ओके हमारा टॉपिक इस पे है, कंसेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट पे है. तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सोशल मूवमेंट होता क्या है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं. तो आई होप कि सब कुछ जुड़ चुके होंगे, तो रेडी हो जल्दी से एक लाइक का साइन दे दो, सो डैट आई कैन कन्फर्म कि आप लोगों को मैं ऑडिबल भी हूँ एंड सभी कुछ दिख रहा है. तो फिर मैं स्टार्ट करती हूँ. सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सोशल मूवमेंट होता क्या है. तो जब भी हम सोशल मूवमेंट की बात करेंगे तो सोशल मूवमेंट हमारे लिए एक पर्पसफुल और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है. फाइन, हमारे लिए क्या है, गुड इवनिंग प्रतीप, हमारे लिए सोशल मूवमेंट क्या है, एक पर्पसफुल और एक ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है. यानी यहाँ पे हमारा जो मूवमेंट है, जब भी हम कोई चीज़ का सोशल मूवमेंट करेंगे वो हमारे लिए पर्पसफुल होगा. यानी जब हम उसको पर्पसली करेंगे किसी चीज़ को, तो डैट विल बी सोशल मूवमेंट और ग्रुप ऑर्गेनाइज होगा. और किस चीज़ के लिए, एक कॉमन गोल होगा हमेशा, हमारा क्या होगा, हमेशा कॉमन गोल होगा. यानी जब भी कोई ग्रुप कॉमन गोल की ओर चलेगी विथ पर्पसफुल एंड ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप, यानी जब ग्रुप हमारा ऑर्गेनाइज्ड होगा किसी पर्पस की वजह से होगा और किसी सोसाइटी का एक कॉमन गोल होगा, जब हम उसकी तरफ वर्क करेंगे, दैट विल बी आवर सोशल मूवमेंट. ठीक है, वही हमारा क्या होगा, सोशल मूवमेंट होगा. यानी सोशल मूवमेंट क्या है, ये एक ऐसा ऑर्गेनाइज ग्रुप है जहाँ पे हम पर्पसली अपनी उद्देश्य के साथ जानबूझकर एक कॉमन सोशल गोल के तहत काम करते हैं, जो कि हमारे मूवमेंट की ओर रिलेट करता है. कॉमन गोल, ये जो सोशल मूवमेंट होता है इसमें ऐसे लोग कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से जिनका इंटरेस्ट एक दूसरे से शेयर्ड हो. गुड इवनिंग संदीप, जिनका इंटरेस्ट क्या हो, एक दूसरे से शेयर्ड हो. ठीक है, जब ऐसा, और किस चीज़ के लिए, हमारे सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए. यानी जो सोशल मूवमेंट है हमारा, ये मूवमेंट बोलता है कि यहाँ पे ऐसे लोग आपस में कनेक्ट होंगे, those people will get connected जिनका इंटरेस्ट शेयर होगा. यानी अगर मेरा इंटरेस्ट है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे JRF, इस साल का जो JRF वाले होल्डर्स हैं उनके लिए मैं एक मूवमेंट क्रिएट करूँ कि उन्हें एक और साल का मौका दिया जाए, और मेरे साथ कोई और ऐसा स्टूडेंट होगा जिसका भी ये सेम शेयर इंटरेस्ट होगा, तो हम दोनों एक साथ जुड़ेंगे और इस चेंज के लिए वर्क करेंगे. एंड दैट विल आफ्टर सम टाइम, अगर एक पूरा ग्रुप ऑर्गेनाइज हो जाता है इस वजह से, तो डैट विल लीड टू अ सोशल मूवमेंट. वो हमको किस चीज़ के लिए लीड करेगा, सोशल मूवमेंट के लिए लीड करेगा. ठीक है, यहाँ तक किसी का कोई इशू है? यानी सोशल मूवमेंट क्या बोलता है, एक पार्टिकुलर सोशल चेंज की बात करता है. दे कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज टू अपोज अ सोशल चेंज. किसी सोशल चेंज को अपोज करने के लिए भी ऑर्गेनाइज हो सकते हैं. यानी मान लेते हैं अगर कोई चीज़ चेंज हो रहा है, लाइक हमारा जैसे बीच में एक मूवमेंट आया था, बोल सकते हैं जब टिकटॉक बहुत फेमस हो चुका था, तो उस समय क्या था, उस टिकटॉक को रोकने के लिए बहुत सारे आगे बढ़ गए थे कि नहीं, हमें टिकटॉक को स्टॉप करना है, ये चेंज नहीं होना चाहिए सोसाइटी में, इससे बच्चे ख़राब हो रहे हैं एंड ऑल. तो वहाँ क्या था, हमने एक ग्रुप बनाया जिसको अपोज किया उस चेंज को. यानी उस चेंज को हम क्या करना चाह रहे थे, अपोज करना चाह रहे थे. यानी एक तरीके का ये क्या है, कलेक्टिव एक्शन है. व्हाट इज दिस, ये एक तरीके का हमारे लिए कलेक्टिव एक्शन है. ठीक है, तो यानी यहाँ पर हमसे क्या, तीन चीज़ें बात ध्यान में रखना. सोशल मूवमेंट क्या है, एक पर्पसफुल और ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है. यानी ऐसा ग्रुप है जहाँ पर्पसली अपने अपने पर्पस के हिसाब से हम ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं और हमारा जो कॉमन सोशल गोल है उसके हिसाब से आगे आते हैं. ठीक है, यहाँ पे जब कोई ग्रुप आपस में तभी मिलता है जब उसे ये फील होगा कि अच्छा, यहाँ पे जो लोग हैं वो हमारे साथ जो है क्या करने जा रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कॉमन है. लाइक मैंने बोला कि जब हमें JRF के लिए एक साल और बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि कोविड की वजह से बहुत जगह हम एडमिशन नहीं ले पाए हैं, तो अगर मेरे सेम इंटरेस्ट के साथ कोई जुड़ना चाहेगा तो हम दोनों सेम सोशल मूवमेंट के लिए आगे बढ़ेंगे, ग्रुप बनाएंगे, शेयर इंटरेस्ट रहेगा, और ताकि इस चेंजेस को आगे प्रमोट कर सके. वही यहाँ पे सिर्फ सोशल चेंज को प्रमोट नहीं किया जाता, बल्कि सोशल चेंज को अपोज भी कर सकते हैं. ठीक है, सोशल चेंज को अपोज भी कर सकते हैं, और इसीलिए इसको कलेक्टिव एक्शन माना जाता है. किसी एक इंडिविजुअल के थ्रू सोशल मूवमेंट नहीं हो सकता. यानी अगर मैं ट्विटर पे जाके डाल दूं कि मुझे ये JRF के लिए
एक साल और बढ़ाने के लिए, तो दे विल नॉट, वो चीज़ हमारे लिए क्या है, सोशल मूवमेंट नहीं होगा, राइट। वो चीज़ हमारे लिए सोशल मूवमेंट नहीं होगा, वो हमारे लिए क्या होगा, एक नॉर्मल इंडिविजुअली मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा, लेकिन अगर उसी मूवमेंट में बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे तो डैट विल बी आवर सोशल मूवमेंट। ठीक है, यहाँ कलेक्टिव एक्शन होगा और वो किसकी तरह होगा, हमारा सोशल मूवमेंट की तरह होगा। क्लियर है? तो आई होप मैंने ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर किया होगा। ये हिंदी वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हो, एक बार इस चीज को कंफर्म कर दो कि ये स्लाइड आप लोगों को क्लियर हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है कि ये क्या है, उद्देश्यपूर्ण और संगठित समूह है, है ना। ये क्या है, उद्देश्यपूर्ण और संगठित समूह है, एक ऑर्गेनाइज ग्रुप है जो कि सामान्य सेम लक्ष्य जो है उसकी दिशा में काम करने का प्रयास करता है। ठीक है, सेम लक्ष्य की दिशा में हमारा काम करने का कोशिश करता है। यहाँ पे हम क्या होते हैं, संगठित होते हैं, एक साथ होते हैं, बिल्कुल प्रगति एकदम हम बोल सकते हैं। दिस इज ऑल्सो हमारा सोशल मूवमेंट। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि जो बहुत सारे कोचिंग्स हैं, ट्यूशन से जो पैसा लेकर के पढ़ा रहे हैं, वो क्या हो, हमारा वो चीज़ को रोका जाए, उस चीज़ को हम रोकना चाहते हैं, है ना। तो इसीलिए हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया जिसमें हम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, जो नीडी बच्चे हैं वो भी पढ़ सकते हैं, एंड जो पैसा दे के पढ़ना चाहते हैं वो भी आराम से यहाँ फ्री में पढ़ सकते हैं। तो दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मूवमेंट, ठीक है, जहाँ हम गुड सोशल चेंज को ला रहे हैं। ठीक है, चलो अब हम लोग बात करते हैं सोशल मूवमेंट का फीचर्स क्या है। तो सबसे पहला फीचर क्या है, ये हमारा एफर्ट बाय ग्रुप, ग्रुप के द्वारा ये एफर्ट्स लगाए जाते हैं, यानी इस एफर्ट में हम जब ग्रुप हमारा एफर्ट लगाएगा तो डैट विल बी अ एफर्ट बाय ग्रुप। इट्स एम, इसका एम है कि हम ब्रिंग करें, या तो किसी चेंज को लाएं, या तो किसी चेंज को रजिस्टर करें, किसी चेंज को लाएं या किसी चेंज को स्टॉप करें। ठीक है, ये ग्रुप, ये जो हमारा सोशल मूवमेंट है, ऑर्गेनाइज भी हो सकता है और अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है। कैसा हो सकता है, ऑर्गेनाइज भी एंड अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है। इट मे बी पीसफुल, साइलेंटली हम कर सकते हैं, लाइक जब जेआरएफ के लिए मैं ट्विटर पे डालूंगी तो वो साइलेंट है, मुझे उसके लिए कोई हल्ला हंगामा, कोई रोड पे विद्रोह ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर उसी सोशल चेंज को मैं चाहूँ तो वायलेंट भी कर सकती हूँ, गई हाय हाय इस तरीके से पूरा जो है हमारा बाहर जाके हम हल्ला हंगामा भी करके कर सकते हैं। यानी हमारा फीचर क्या है, पीसफुल भी हो सकता है, गुड इवनिंग शिवांगी, और वायलेंट भी हो सकता है। फिर इट मे कंटिन्यू, गुड इवनिंग मोनी, इट मे कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग पीरियड और इट मे डाई आउट सून, हो सकता है ये लंबे समय तक भी चले और हो सकता है ये तुरंत मर भी जाए, यानी ये सोशल मूवमेंट थोड़ी ही देर तक चले, हो सकता है कुछ लोग बीच में ही छोड़ के चले जाएं, तो ये सोशल मूवमेंट हमारा क्या होगा, थोड़े देर पे ही स्टॉप हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे होंगे, बहुत सारे यहाँ पे जो लोग बिहार से होंगे अभी देख रहे होंगे कि वहाँ एस्टेट के लिए एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ है। कुछ भी होता है वहाँ पे एज अ मूव, हम लोग अलग अलग जो पर्सन है वो ट्वीट कर देते हैं कि एस्टेट पे बहाली कराओ, स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी पे हमारा ज्वाइनिंग कराओ जितनी जल्दी हो सके। ये क्या है, एक मूवमेंट चल रहा है, लेकिन मूवमेंट अभी कैसा है, पीसफुल है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन यही मूवमेंट हमारा वायलेंट कब हो जाएगा, जब हम इसको रोड पर लेके आ जाएंगे, जब हम इसको लोगों के सामने लेके आ जाएंगे, बहुत हंगामा होगा, उसके लिए विद्रोह करेंगे, तो डैट विल बी अ वायलेंट सोशल मूवमेंट। ठीक है, यानी ये लंबे समय तक भी चल सकता है और ये तुरंत खत्म भी हो सकता है। तो हमारा सोशल मूवमेंट का फीचर्स क्या है, क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को, हिंदी में भी देख लेते हैं। ये समूह द्वारा प्रयास है, इसका उद्देश्य समाज में बदलाव लाना है या उसका विरोध करना है, यह संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी हो सकता है, यह शांतिपूर्ण भी कर सकते हैं और हिंसक भी हो सकता है, यह लंबे समय तक जारी रह सकता है या जल्द ही समाप्त हो सकता है। ठीक है, लंबे समय तक जारी भी रह सकता है और जल्द ही समाप्त हो सकता है। सो चलो हम लोगों ने यहाँ तक जितना रिवाइज किया है, एक बार इसको हम लोग जो है यहाँ पर रिकॉल करते हैं, मैं देखती हूँ आपको कितना याद है। ठीक है, सो चलो यहाँ पे आप लोग मुझे बताओ,
हमने सोशल मूवमेंट्स में कौन कौन से कीवर्ड्स, मुझे सिर्फ बताओ कि हमने जो सोशल मूवमेंट में कीवर्ड्स पढ़े हैं वो क्या क्या पढ़ा है। ठीक है, सोशल मूवमेंट के अंदर जितने भी कीवर्ड्स हम लोगों ने अभी तक पढ़े हैं उनको जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप लोग लिखो, ताकि आपको भी इंटरैक्टिव लगे सेशन। तो सबसे पहले हमने सोशल मूवमेंट में क्या पढ़ा है, सबसे पहले पढ़ा कि ये हमारा क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड है ना, ग्रुप को हम यहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं, ग्रुप को ऑर्गेनाइज करते हैं। और क्या करते हैं सोशल मूवमेंट में बताओ, हमारा कलेक्टिव एक्टिविटी होता है ना, ये एक कैसा है, कलेक्टिव एक्टिविटी है, हम डायरेक्ट नहीं मिलते हैं यहाँ पर, यानी हम कह सकते हैं कि एक अकेला इंडिविजुअल इसको नहीं कर सकता है, ये ग्रुप का एफर्ट है, क्या है, ग्रुप का एफर्ट है ना। और आप लोग बोलो, अगर समझे हो तो बोलो, ये कैसा है, पर्पसफुल है, हमेशा एक पर्पस के हिसाब से हम मिलेंगे, हमारे पास कुछ ना कुछ पर्पस होना चाहिए तभी मिलेंगे। और कौन आएगा हमारे साथ, जिनका इंटरेस्ट कैसा हो, शेयर्ड इंटरेस्ट हो, है ना, जिनका इंटरेस्ट कैसा हो, हमारा शेयर्ड इंटरेस्ट हो, यानी आपका और मेरा इंटरेस्ट शेयर होगा तभी हम मिलेंगे। हाँ वेरी गुड, कॉमन एम्स होने चाहिए हमारे, कॉमन एम्स होने चाहिए, सोशल गोल भी हमारा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, बिल्कुल एकदम। वायलेंट भी हो सकता है हमारा, यानी हिंसक भी हो सकता है, और हमारा पीसफुल भी हो सकता है, पीसफुल भी हो सकता है, और लंबे समय तक भी चल सकता है, लॉन्ग टाइम तक भी चल सकता है। वेरी गुड प्रदीप, लॉन्ग टाइम चलता है, और साथ ही साथ हमारा क्या होता है, बिल्कुल इसका एम होता है या तो सोसाइटी में चेंजेस लाएगा या तो सोसाइटी से चेंजेस को हटाएगा, राइट, ये सारे इसके एम्स होते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज क्लियर हो गया होगा कि हमारा सोशल मूवमेंट क्या होता है। अब चलते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट में। ठीक है, टाइप्स ऑफ सोशल मूवमेंट, तो सबसे पहला जो हमारा सोशल मूवमेंट है वो क्या है हमारा, सबसे पहले अगर हम बात करें, एक सेकेंड, गुड इवनिंग रुचि, रिफॉर्म मूवमेंट की बात करते हैं। रिफॉर्म मूवमेंट हमारा क्या है, हमारा जो रिफॉर्म मूवमेंट है अगर हम इसकी बात करेंगे तो ये ऑर्गेनाइज्ड होता है टू कैरी आउट रिफॉर्म्स। ठीक है, रिफॉर्म्स को कैरी आउट करने के लिए इन सम स्पेसिफिक एरियाज, थैंक्स अ लॉट प्रगति। ठीक है, ये क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, दे आर ऑर्गेनाइज टू कैरी आउट रिफॉर्म्स इन सम स्पेसिफिक एरिया, ये इसके कीवर्ड है, ध्यान रखना किसी स्पेसिफिक एरिया में जब हमको रिफॉर्म लाना होता है, हर कुछ को नहीं, ठीक है, मूवमेंट भी बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन जब हमको किसी स्पेसिफिक एरिया में रिफॉर्म लाना होता है, किसी स्पेसिफिक एलिमेंट में चेंज लाना होता है ताकि मेरा सिस्टम बेटर वर्क करने लगे, वो होता है हमारा रिफॉर्म मूवमेंट, वो क्या होता है हमारा रिफॉर्म मूवमेंट। ठीक है, यानी यहाँ पे बोल रहा है कि जब पूरा कोई एक बड़ा सा सिस्टम है और उस सिस्टम में से किसी एक छोटे, ठीक है, उस सिस्टम में से किसी एक छोटे सिस्टम में हमको रिफॉर्म लाना है ना, किसी एक छोटे सिस्टम में किसी स्पेसिफिक एरिया में रिफॉर्म लाना है, तो डैट इज कॉल्ड रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ पे हम मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे सिविल राइट मूवमेंट, वोमेन लिबरेशन, यहाँ पे यानी पूरे सोसाइटी में से मैंने वोमेन के लिए लिबरेशन की बात की, वोमेन को लिबरेट करने की बात की, ब्रह्म समाज मूवमेंट, ब्रह्म समाज के लिए, पूरा समाज बहुत सारा है जिसमें हमने ब्रह्म समाज मूवमेंट के लिए बात की, ये क्या है, रिफॉर्म मूवमेंट है, जिसका कीवर्ड क्या है कि एलिमेंट्स में चेंज लाने के लिए कोशिश करते हैं, बहुत बड़े सिस्टम में से किसी स्पेसिफिक एलिमेंट में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे सिस्टम क्या हो, हमारा बेटर वर्क कर सके।
सिस्टम कैसा वर्क कर सके, बेटर वर्क कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। रिवॉल्यूशन मूवमेंट क्या बोलता है, रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करता है, ठीक है, क्रांति लाने की कोशिश करता है। कैसे, ये पूरा इंटायर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को ही चेंज करने के लिए बोल देता है। यहाँ पे क्या था, हमने स्पेसिफिक एरिया, किसी छोटे से बड़े सिस्टम में से किसी छोटे एरिया को इम्प्रूव करने की कोशिश की है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, पूरा सिस्टम को ही चेंज करने की बात कर रहे हैं कि नहीं बदलो, ये पूरा सिस्टम चेंज होना चाहिए। ठीक है, ये होता है हमारा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट होता है, जिसके अंदर अगर हम बात करेंगे, ये रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट जैसे जैसे बढ़ता चलता है वैसे वैसे हिंसक होते चलता है, जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा हिंसक होता चलेगा। ठीक है, जैसे याद करो हमारे जब प्री इंडिपेंडेंस के समय हमने एक फ्रीडम मूवमेंट चलाया था, जिसमें क्या क्या था, रिवॉल्यूशन, जो ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, हर चीज़ हमारे ऊपर रोक करके रखे थे, उसको हमने हटाने की कोशिश की थी, उस पूरे स्ट्रक्चर को, उस पूरे जो हमारे ऊपर शासन चल रहा था उन सबको हटाने की कोशिश की थी, उन सबको हमने रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश की थी। यानी वहाँ पर हम पूरा एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को, पूरे ब्रिटिश मूवमेंट को, ब्रिटिश के जो लोग थे उन सबको हटाना चाहते थे, ताकि हम में क्या आ सके, फ्रीडम आ सके। तो ये कैसा मूवमेंट है, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट है, यानी यहाँ पर रीप्लेस कर रहे हैं हम इंटायर एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, हिंदी देख लेते हैं इसका, हिंदी में क्या है इसका, सुधार आंदोलन। ये किसके लिए है, जब विशिष्ट क्षेत्रों में, है ना, ये किसके लिए है, जब विशिष्ट क्षेत्रों में हम सुधार करने का कोशिश करते हैं, यानी किसी स्पेसिफिक एरिया में हमको क्या करना है, सुधार करना है, राइट। जैसे हमारा ब्रह्म समाज हो गया, महिला मुक्ति आंदोलन हो गया, ये सारा कुछ। उसी तरीके से हमारा दूसरा क्या है, क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन क्या होता है, ये पूरे मौजूदा ढांचा जो है, पूरा जितना भी हमारा स्ट्रक्चर है, इन सबको बदलने का वकालत करते हैं, पूरा बदलना है, सब कुछ बदलना है, पुनर्गठन की बात करते हैं, फिर से स्टार्ट करने के लिए बात करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारा क्रांतिकारी आंदोलन है। ठीक है, ये धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वैसे वैसे हिंसक भी होता चलता है। फाइन, तो क्लियर है यहां तक, किसी को कोई डाउट। नेक्स्ट चलते हैं, किसी को कोई डाउट होगा तो बोलना। नेक्स्ट है हमारा रिएक्शनरी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। रिएक्शनरी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में क्या होता है, रिएक्शनरी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट में यहाँ पे हम सोशल चेंज को रिवर्स करना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, कोई सोशल चेंज है उसको रिवर्स करना चाहते हैं। जैसे आप देखे होंगे, एक आया था हमारा बोल सकते हो, जो हमारे सोसाइटी में कुछ ऐसा चेंज होता है जहाँ पे इसमें हम ट्रेडिशनल, जो हमारा ट्रेडिशनल वैल्यूज है ना, उसको हम ग्रेटनेस कराना चाहते हैं, मतलब कोई नया वैल्यू नहीं चाहते हैं। जैसे वेस्टर्न ट्रेडिशन अभी कितना हमारा आ रहा है ना, इसमें हम इस चीज़ को रिवर्स करना चाहते हैं। यानी हमारा जो सोसाइटी है वेस्टर्न ट्रेडिशन की ओर बहुत बढ़ता जा रहा है, एवरीथिंग जहाँ नहीं भी नीड है वहाँ भी हम वेस्टर्न ट्रेडिशन को लेके आ रहे हैं। तो जब हम वेस्टर्न ट्रेडिशन को लेके आते हैं तो उसी समय ये रिएक्शनरी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट क्रिएट करता है। ये क्या बोलता है हमको, कि ये जो मूवमेंट बोलता है कि इस चेंज को चेंज करो, रिवर्स करो, इस सोशल चेंज को जो हम इंडियन से वेस्टर्न की ओर मूव कर रहे हैं, इसको रिवर्स करो, ये नहीं चलेगा। क्योंकि ये जो मूवमेंट वाले होते हैं वो ट्रेडिशनल वैल्यू को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ग्रेटनेस रखते हैं ट्रेडिशनल वैल्यू का। ठीक है, या आइडियोलॉजी जो इनके आदर्श हैं उनको मानते हैं, जो पहले से ट्रेडिशन से उनको मानते चलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, ये ट्रेडिशंस पीछे की बात करते हैं, है ना। तो ये हमको बोलता है पीछे जाओ, वापस से जाओ, ये नहीं कि जो मॉडर्न चल रहा है उन सब ट्रेंड पे नहीं, फास्ट मूविंग चेंजेस को, जो बहुत जल्दी बदलाव आ रहा है उसको ये क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, फास्ट मूविंग चेंजेस को क्या करते हैं, ये क्रिटिसाइज करते हैं। फाइन, नेक्स्ट है हमारा रेजिस्टेंस मूवमेंट। रेजिस्टेंस मूवमेंट क्या बोलता है, सीधी सी बात है, ये चेंज को रेजिस्ट करने के लिए बोलता है। किस क्या बोलता है, ये बोलता है चेंज को रेजिस्ट करो,
चेंज होने ही मत दो, जो ऑलरेडी हो चुका है उसको रोको जितना ज़्यादा रोक सकते हो। यानी जैसे हमारा टिकटॉक मूवमेंट, टिकटॉक को रजिस्टर करने के लिए चले गए कि रजिस्टर करो, ये नहीं होना चाहिए। हमारा और भी जितना सारा पबजी, ये सारा जो गेम्स आया है ना, जो आया इसको हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर कर रहे हैं। जैसे एक और गवर्नमेंट जो अभी वो SC ST का जो रिजर्वेशन एंड ऑल वाला जो मूवमेंट आया था, जिसको वो मुझे एग्जैक्ट मूवमेंट नहीं पता है बट मैं उसका एग्जांपल बता रही हूँ, ये वो यहीं पे होगा। उस गवर्नमेंट की उस चीज़ को हम क्या कर रहे हैं, रजिस्टर करें, हम नहीं चाहते कि वैसा चेंज हो। या फिर जो फार्मर का बिल आया है ना, वो भी हम क्या चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि वैसा चेंज हो, उसको हम स्टॉप करने की कोशिश कर रहे हैं, रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारा एंटी हिंदी मूवमेंट, ये भी हमको क्या बोलता है, एंटी हिंदी मूवमेंट भी, हिंदी जो DMK थे वो लोग नहीं चाहते थे, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये एंटी मूवमेंट जो है वो हो, आई मीन एंटी हिंदी मूवमेंट आए, हिंदी पे फोकस नहीं चाहते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आया हमारा यूटोपियन मूवमेंट। यूटोपियन मूवमेंट क्या बोलता है, ये ऐसा मूवमेंट है जो कि रियलिटी में बहुत जल्दी एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये चाहता है पूरा सोसाइटी किसकी ओर चला जाए, परफेक्शन की ओर चला जाए, कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, कोई रिजर्वेशन नहीं हो, मतलब एकदम परफेक्ट स्टेज में चला जाए, जो कि रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। और ऐसे मूवमेंट को हम लोग यूटोपियन मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। ऐसे मूवमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, यूटोपियन मूवमेंट कहते हैं। तो ये 5 तरीके के मूवमेंट हैं, ये 5 तरीके के क्या हैं हमारे मूवमेंट हैं। फाइन, और भी एक दो मूवमेंट होते हैं लेकिन जो ये मेन मूवमेंट है उसको मैंने अपने एग्जाम, हमारे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट समझ के लिया है, ठीक है। तो आ जाओ एक बार रिकॉल कर लेते हैं। एंड गाइस प्लीज़ बीच बीच में बताते चलना कि समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है, ताकि थोड़ा सा मुझे भी लगे कि आप लोग समझ पा रहे हो, क्योंकि एक क्लासरूम में स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। सो इन्फॉर्म करते चलना। तो आज जो हम लोग उसको हिंदी भी देख लेते हैं, अभी हम लोग इंग्लिश में पढ़े थे रिएक्टिव और रिएक्शनरी और रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। तो हिंदी इसका क्या है, प्रतिक्रियावादी या पुनरुत्थानवादी, ठीक है। ये सामाजिक परिवर्तन को उलटना है, रिवर्स करना है सोशल चेंज को, पारंपरिक मूल्य की ओर जाना है, ये उस पर महत्व डालते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रतिरोध आंदोलन। प्रतिरोध यानी रोक कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं, किसी चीज को रोक रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, फाइन। फिर हमारा क्या है, यूटोपियन आंदोलन है। यूटोपियन आंदोलन क्या है, यूटोपियन आंदोलन जो है ये हमको बोलता है किसी एक वर्ग को पूर्णता की स्थिति की ओर, एकदम पूर्ण हो जाए, एवरीथिंग परफेक्ट हो जाए, उसकी ओर ले जाने का प्रयास करता है, जो कि हमारा क्या है, हमारा जो कि पॉसिबल नहीं है। रियलिटी में हर कुछ संपूर्ण नहीं हो सकता, हर कुछ परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये वो आंदोलन है। तो आई होप कि ये जो 5 आंदोलन है आपको क्लियर होगा। 2 क्वेश्चन करें इस पे, मैं आपको पोल देती हूँ, मुझे जवाब देना, ओके। चलो मैंने आप लोगों को एक पोल दिया है, दिख रहा है क्या, क्वेश्चन पढ़ो उसको एंड आंसर करो। कॉल आया क्या, एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो पॉल आया या नहीं आया। हाँ बिल्कुल, कुछ लोगों का आया है पॉल यहाँ पे। हाँ बिल्कुल,
सभी का आया है, मैंने दोनों को एक्टिव कर दिया है, ठीक है, दोनों पोल हमारा एक्टिव है। एक क्वेश्चन हमारा क्या था, जिसमें हमारा एक क्वेश्चन था कि इंडियन नेशनल फ्रीडम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा क्या था। ओके नो इशू, मैं आपको क्वेश्चन बोल देती हूँ। एक क्वेश्चन हमारा था कि इंडियन नेशनल फ्रीडम जो है वो किसका एग्जाम्पल है, इंडियन नेशनल फ्रीडम। तो अभी जस्ट हमने पढ़ा ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ये किसका एग्जाम्पल है, इंडियन नेशनल फ्रीडम है ना। इंडियन नेशनल फ्रीडम हमारा रिफॉर्म मूवमेंट है, जो कि मूवमेंट की बात कर रहा है ना, पूरा रिवाइवर रिवॉल्यूशन मूवमेंट है, रिवॉल्यूशन लेके आ रहा है, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्वेश्चन था कि एंटी हिंदी समाज, एंटी हिंदी समाज क्या है, तो वो हमारा क्या है, एंटी हिंदी समाज। नो इश्यू पल्लवी, आई एम एक्सप्लेनिंग, आप वो सुन लो, ठीक है, कोई बात नहीं मोनी, मैं बोल रही हूँ ना, आप वो सुन लो। उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन है हमारा एंटी हिंदी समाज कौन सा था, तो एंटी हिंदी समाज हमारा कौन सा था, रेजिस्टेंस मूवमेंट था, कौन सा था, रेजिस्टेंस मूवमेंट था, रेजिस्टेंस मूवमेंट था, ठीक है, क्लियर है, बिल्कुल, ये हमारा रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था। और ये वाला हमारा रेजिस्टेंस मूवमेंट था, फाइन। चलो अब हम लोग चलते हैं अपने बैक जो हमारा चल रहा था उसी में। अब आते हैं हम लोग थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट, हमारा सोशल मूवमेंट का थ्योरीज क्या है। थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट जो है वो हमारे पास बहुत सारे होते हैं, मतलब दो चार है, कौन कौन से, सबसे पहला है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी, दूसरा हमारा क्या है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी, तीसरा हमारा क्या है, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। ये सारे जो हैं हमारे थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट है, ठीक है। अब सबसे पहला हमारा अगर बात करें तो सोशियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत सारे थ्योरीज को डेवलप किया सोशल मूवमेंट से रिलेट करके, जिसमें सबसे पहला आया हमारा रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। ये कौन सी थ्योरी है, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी। इसमें बोलते हैं यहाँ पे इन्फीरियर जो नीचे तबके के लोग होते हैं, इन्फीरियर होते हैं, मतलब इन्फीरियर किसी भी तरीके से हो सकते हैं, मान लो मेरे पास जो है बहुत महंगा महंगा पेन है और आपके पास बहुत सस्ता सस्ता पेन है, तो हो सकता है आप मेरे को अपने आप को इन्फीरियर समझ सकते हो मेरे सामने, है ना। हो सकता है आपके पास फरारी है, मेरे पास एक साइकिल भी नहीं है, तो मैं यहाँ पे अपने आप को इन्फीरियर समझ सकती हूँ। तो ऐसे केस में ये रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी उसी थ्योरी के बारे में बोलता है, यहाँ पे रिवॉल्ट होता है इस वे में कि हम चाहते हैं हम बराबर हों, आपके पास भी फरारी हो तो मेरे पास भी फरारी हो, ये नहीं कि आप सुपीरियर हो या मैं इन्फीरियर हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अरिस्टोटल कहते हैं यही इन्फीरियरिटी और सुपीरियरिटी की वजह से रिवॉल्ट क्रिएट होता है, रिवॉल्यूशन क्रिएट होता है, और उस रिवॉल्यूशन को उन्होंने रिलेटिव डिप्राइवेशन का नाम दिया। यानी रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या है, ये एक ऐसा फीलिंग है दैट यू आर जनरली वर्स ऑफ देन द पीपल, यानी आप उन लोगों के साथ जिनके साथ जुड़े हुए हो उनसे अपने आप को कंपेयर करते हो, एसोसिएट करते हो और सोचते हो कि आप बहुत बेकार हो, बहुत वर्स हो, ठीक है। जैसे वेन यू कैन ओनली अफोर्ड अ हर्ट, आप सिर्फ एक झोपड़ी अफोर्ड कर सकते हो और आपका जो पड़ोसी है वो एक बड़ा घर अफोर्ड कर सकता है, तो आपको यहाँ पे रिलेटिवली डिप्राइव फील होगा, आपको फील होगा कि हम बहुत डिप्राइव्ड हैं, हमको उससे रिलेट करके, इसीलिए इसका टर्म है रिलेटिवली, रिलेटिव मतलब किसी के साथ रिलेट करना और डिप्राइवेशन मतलब किसी चीज़ की कमी होना, यानी जब हम किसी को किसी से रिलेट करके कमी होने की बात करते हैं तो इसी को हम लोग रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी कहते हैं, क्लियर है, कोई डाउट यहाँ पे, हिंदी में भी देख लो इसको, हिंदी में इसको सापेक्ष अभाव कहते हैं, जहाँ पे यहाँ हीन लोग विद्रोह करते हैं ताकि वे समान हो सके और वे श्रेष्ठ हो सके, ऐसी मन की स्थिति है जो क्रांति पैदा करती है और इसी की वजह से ये क्रांति आती है हमारे अंदर। ये भावना है कि आप आमतौर पर उन लोगों से भी बदतर होते हैं जिनसे आप जुड़ते हैं और अपनी तुलना करते हैं, और इसीलिए यहाँ पे ये अभाव आता है और इसका फीलिंग आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं हम क्या, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरिस्ट,
नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरिस्ट बिलीव दैट पॉलिटिकल डिसकंटेंट एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेज, यानी जो पॉलिटिक्स में झगड़ा हो रहा है उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, उसकी वजह से जो प्रोटेस्ट होता है, उसकी वजह से जो इंस्टेबिलिटी होती है, ये सब क्या है, सिर्फ इस पर डिपेंड नहीं करता, पैसे पे ही डिपेंड नहीं करता, इकोनॉमिक वेलबींग पे ही डिपेंड नहीं करता, हमारा वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है उस पर भी डिपेंड करता है। यानी अगर किसी पॉलिटिक्स में किसी चीज़ की वजह से झगड़ा चल रहा है, किसी का प्रोटेस्ट हो रहा है, इनस्टेबिलिटी आ रही है, तो ये सब का वजह क्या है, हमारे पास या तो हमारे सामने वाले के पास सामान बहुत है, या तो हमारे सामने वाले के पास से सामान मेरे पास कम है। यानी यहाँ पे वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं, वो जो फील करते हैं वो डिप्राइव है किसी चीज़ से जो कि इसेंशियल होना चाहिए था उनके लाइफ में, उनके लाइफ में वो चीज़ इसेंशियल होना चाहिए था, जैसे कि मनी, जैसे कि राइट्स, जैसे कि पॉलिटिकल वॉइस, जैसे कि स्टेटस, ये सारा कुछ। मैं ऑर्गेनाइज और ज्वाइन सोशल मूवमेंट, ये ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और सोशल मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इनके पास अपनी बात को रखने के लिए पॉलिटिकल वॉइस नहीं है, इनका अपना स्टेटस नहीं है, पैसा नहीं है, हक नहीं है, तो इन सब चीज़ से जब वो डिप्राइव फील करेंगे तो वो अपने आप को रिलेटिव डिप्राइव करेंगे और वो अपने आप को डिप्राइव फील करते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत रिलेटिव डिप्राइवेशन में, एनी डाउट? हिंदी भी देख लेते हैं। इस तरह के सिद्धांतकारों का मानना है कि राजनीतिक असंतोष और इसके परिणाम विरोध, अस्थिरता, हिंसा, क्रांति न केवल आर्थिक कल्याण के पूर्ण स्तर पर निर्भर करते हैं बल्कि धन के वितरण पर भी निर्भर करते हैं, है ना। लाइक कहने का सेंस यहाँ पर यह है, जैसे मान लो हम क्या करते हैं, हम इक्वल राइट तो कर रहे हैं कि इक्वल राइट होना चाहिए, सभी को पढ़ने के लिए आगे भेजो, एवरीवन शुड गो इन फ्रंट, लेकिन हम मनी कैसे वितरण कर रहे हैं, हम चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर रहे हैं, हायर तब जो हायर प्रायोरिटी के लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं उनके पास हम मनी बहुत ज़्यादा पहुँच जाता है, और जब इक्वालिटी है तो हमारे पास मनी कैसे कम हो गया, हमारे पास भी इक्वल मनी होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों पर ये रिलेटिव डिप्राइवेशन जो है वो फोकस करता है, ठीक है, इन्हीं सब चीज़ों पे रिलेटिव डिप्राइवेशन हमारा फोकस करता है। यहाँ पे लिखा है अपने जीवन के लिए आवश्यक किसी चीज़ से वंचित किया जा रहा है, यानी कि धन, अभी आगे बात करेंगे इस पे, ठीक है, अभी इसको आगे देखेंगे पल्लवी, ठीक है, जैसे कि धन हो गया, अधिकार हो गया, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रही हूँ, अभी आगे इस पे भी देखेंगे, स्थिति हो गया, तो ये सारा थ्योरी जो है वो हमारा उस पे फोकस करता है। नेक्स्ट चलते हैं, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन। अब अभी तक तो हम लोग बेसिक समझ रहे थे, अब रिलेटिव डिप्राइवेशन का डेफिनेशन क्या है, तो जो ब्रिटिश स्टेटमैन थे और सोशियोलॉजिस्ट थे वॉल्टर रनशीमैन, इन्होंने चार कंडीशन दिया, फोर रिक्वायर्ड कंडीशन दिया, किसके लिए, रिलेटिव डिप्राइवेशन के लिए। सबसे पहला कंडीशन क्या था, अ पर्सन डज नॉट हैव समथिंग, यानी किसी को रिलेटिव डिप्राइवेशन तब होगा जब उस पर्सन के पास कोई चीज़ नहीं है, पर्सन डज नॉट हैव समथिंग। दूसरा, पर्सन नोज अदर पीपल हु हैव द थिंग, पर्सन जो इंसान है वो जान रहा है कि मेरे पास वो चीज़ नहीं है लेकिन मेरे साथ जो बैठा है उसके पास वो चीज़ है। जैसे मान लो अभी हम लोग एक दूसरे को जेआरएफ से समझते हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके फ्रेंड सर्कल में किसी का जेआरएफ होगा, किसी का नेट होगा, और कोई ऐसे भी बच्चे होंगे जो दो बार से तीन बार से ट्राई कर रहे होंगे बट ना ही वो जेआरएफ क्वालिफाई कर पा रहे होंगे किसी वजह से, या फिर नेट क्वालिफाई कर रहे होंगे, तो वो अपने आप को क्या फील करेंगे, डिप्राइव फील करेंगे कि यार देखो ना मैं तो अच्छी ही नहीं हूँ, मुझसे पढ़ाई नहीं होता, मेरा रिजल्ट ही नहीं आता, अपने आप को क्या फील करेंगे, इंफीरियर फील करेंगे, लो फील करेंगे। तो यही बोल रहा है, एक पर्सन वैसा जिसके पास कुछ नहीं हो, और दूसरा हम ऐसे पर्सन को जान रहे हो जिसके पास वो चीज़ हो, और तीसरा अगर वो पर्सन चाहता है वो चीज़ को, हो सकता है मेरे साथ सामने कोई ऐसा भी पर्सन हो जिसको हम देख रहे हो कि उसके पास फरारी है, ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं है फरारी का, हम खुश हैं साइकिल में ही खुश हैं, हम खुश हैं, हम पैदल ही खुश हैं, तो ये क्या है, पर्सन को वो चीज़ चाहिए ही नहीं तो वो रिलेटिवली डिप्राइव होगा ही नहीं, लेकिन यहाँ पर पर्सन को चीज़ें चाहिए इसीलिए वो अपने आप को डिप्राइव फील कर रहा है।
और दैट पर्सन को ये बिलीव होता है कि उसके पास रीजनेबल चांस है उस चीज को लेने का. लाइक जैसे सामने वाले के पास JRF नहीं है और मेरे पास मान लो JRF है, लेकिन सामने वाले को लग रहा है अरे मैम तो यही बगल वाले ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़ी और कैसे JRF निकाल ली, हम तो इतने बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, मेरा JRF होना चाहिए था, मेरे पास रीज़न है कि मुझे JRF क्यों मिलना चाहिए था. यानी आई हैव अ रीजनेबल चांस ऑफ गेटिंग द थिंग, मेरे पास रीजनेबल चांस है चीज़ों को मिलने का. तो इसी को हम लोग कहते हैं डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव डिप्राइवेशन. ठीक है, तो आई होप कि मैंने ये चारों पॉइंट आपको क्लियर किया होगा गाइस. कोई दिक्कत? ये हिंदी में भी है हमारे पास. ठीक है, व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, वह व्यक्ति अन्य लोगों को जानता है जिनके पास वस्तु है, वह व्यक्ति वस्तु प्राप्त करना चाहता है, उस व्यक्ति का मानना है कि उनके पास वस्तु प्राप्त करने का उचित अवसर है. ठीक है, अब जो पल्लवी आपका सवाल था कि इसके मेजर प्रोपोनेंट्स कौन कौन हैं, तो चूंकि अरिस्टोटल ने ये लिंक रिवील किया था, सामने लाया था डिप्राइवेशन और कॉन्फ्लिक्ट के बीच में रिवील किया है. ठीक है, डिप्राइवेशन और हमारा कॉन्फ्लिक्ट है उसके बीच में रिलेशन क्या है, लिंक क्या है, इसको सामने लाया था. लेकिन जो टेडगर जो थे ये मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट इसके माने जाते हैं. ठीक है, मोस्ट प्रोमिनेंट प्रोपोनेंट इसके माने जाते हैं इस रिलेटिव डिप्राइवेशन का मॉडर्न टाइम में. इनका कहना है कि यूनिवर्सल अजम्पशंस है, ये यूनिवर्सल अजम्पशंस है कि एन इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड वेल्थ विल प्रोवोक वायलेंट रिबेलियन. यानी बोल रहा है कि ये यूनिवर्सल माना हुआ है, ये यूनिवर्सल सच्चाई है कि अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्विटेबल होगा तो प्रोवोक वायलेंट होगा ही होगा, हिंसा होना ही होना है, इनका ये कहना था. ठीक है, लाइक जैसे मान लो अगर हम 72% ला करके मैं फर्स्ट रैंक पे हूँ और कोई बच्चा जो है 73% है, लेकिन फिर भी उसका जो है किसी चीज़ में ज्वाइनिंग नहीं हो पाया, धांधली हो गया या कुछ भी हो गया, तो ये क्या है, ये इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है. ठीक है, यस बिल्कुल प्रगति एकदम. अगर मैं इंग्लिश में सिर्फ समझा रही हूँ, वेरी गुड नाइस एग्जांपल, और हिंदी नहीं समझाऊंगी तो हिंदी वालों को लगेगा कि यार इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है. लेकिन अगर मैं दोनों एग्जांपल लेके चल रही हूँ तो यहाँ क्या होगा, हमारा इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ठीक है, यहाँ रिलेटिव इनका कहना था रिलेटिव डिप्राइवेशन कब होता है, व्हेन एक्सपेक्टेशन रिमेन कॉन्स्टेंट बट कैपेबिलिटीज डिक्लाइन. यानी मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन फरारी का है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, घर में बैठे बैठे चाहती हूँ कि फरारी मेरे पास आ जाए. मेरा एक्सपेक्टेशन JRF का है, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, कुछ नहीं पढ़ रही हूँ, बैठी हुई, कह रहे मेरे को तो JRF चाहिए, और कर क्या रही हूँ, बस बैठी हुई हूँ, पढ़ नहीं रही हूँ. दूसरा, मेरा एक्सपेक्टेशन इंक्रीज होता जा रहा है, अब मुझे JRF ही नहीं चाहिए, मुझे जो है सबसे टॉप यूनिवर्सिटी में PhD में भी एडमिशन चाहिए, लेकिन अगेन कैपेबिलिटी क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है, मैं मेहनत ही नहीं कर रही हूँ तो टॉप यूनिवर्सिटी में कहाँ से PhD होगा. ठीक है, अगेन एक्सपेक्टेशन इंक्रीज वाइल कैपेबिलिटीज रिमेन स्टेबल. अब अगेन यहाँ पे क्या है, एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है लेकिन कैपेबिलिटी जो है अपने, यानी मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मेरा JRF भी हो जाए, मेरा PhD भी हो जाए, सारा एक्सपेक्टेशन बढ़ाए जा रहे हैं और कैपेबिलिटी हम क्या रख रहे हैं, स्टेबल. थोड़ा सा मेहनत करते हैं, सुबह का 2 घंटा पढ़ते हैं और फिर बाकी टाइम घूमते हैं, फिरते हैं, आराम करते हैं. तो यहाँ पे क्या है, कैपेबिलिटीज वही है, रोज दिन 2 घंटा पढ़ रहे हैं और हो गया, और क्या चाहिए हमें, JRF. तो क्या मिलेगा, नहीं. तो यहाँ पे क्या है, इसी वजह से हम हमको वो चीज़ नहीं मिल पाता है और दूसरे को मिल जाता है जो मेहनत कर रहा होता है, और हम कहते हैं कि हम रिलेटिवली क्या है, डिप्राइव है. रिलेटिवली क्या है, यहाँ पे डिप्राइव है. ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? ये हिंदी में भी है.
कि सापेक्ष भाव तब हो सकता है जब अपेक्षाएं जो है हमारी स्थिर रहती है लेकिन क्षमताएं कम हो जाती है, या फिर उम्मीदें बढ़ती हैं लेकिन क्षमता घटती है, या फिर अपेक्षाएं बढ़ती हैं जबकि क्षमताएं स्थिर रहती है। ये सारे वजह से हमारा जो है रिलेटिव डिप्राइवेशन होता है। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ यहाँ पे। उन्होंने बोला कि इंक्रीजिंग एक्सपेक्टेशन और बिना लेवल ऑफ कैपेबिलिटी को इंक्रीज किए हुए जो रिलेटिव डिप्राइवेशन होगा वो वॉयलेंस तक ले जा सकता है, हिंसा तक लेके जा सकता है। ठीक है, क्या लेके जा सकता है? एक हिंसा तक लेके जा सकता है। यानी जो गुर थे उनके अकॉर्डिंग वॉयलेंस डेराइव फ्रॉम हाई लेवल ऑफ डिसकंटेंट, बहुत डिसकंटेंट यानी जो झगड़ा या वो बहुत हाई लेवल तक जाता है जिसकी वजह से हम रिलेटिव डिप्राइवेशन फील करते हैं। ठीक है, तो ये पुराना पीछे वाला ही बात था, इसमें कोई चीज़ नया नहीं है। तो यहाँ तक पहले आप बताओ मुझे कि इतना आप लोगों को क्लियर है? बताओ यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दो। अब नेक्स्ट थ्योरी पे चलते हैं हम लोग, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी। ठीक है, रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी क्या होता है? रिसोर्स मोबिलाइजेशन थ्योरी बोलता है कि हमें इम्पोर्टेंस ऑफ रिसोर्स इन सोशल मूवमेंट, सोशल मूवमेंट में रिसोर्सेज का इम्पोर्टेंस कितना है, ये इसकी बात करता है। हमारे सोशल मूवमेंट में रिसोर्स का इम्पोर्टेंट क्या है, डेवलपमेंट कैसे, सक्सेस कैसे, इन सब की बात करता है। रिसोर्सेज आर अंडरस्टूड हियर टू इंक्लूड नॉलेज, रिसोर्स के टर्म में आपका नॉलेज भी हो सकता है, ठीक है, मनी भी हो सकता है यानी पैसा भी हो सकता है, मीडिया भी हो सकता है, लेबर भी हो सकता है, लेजिटिमेसी भी हो सकता है, सॉलिडरिटी भी हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। मतलब एक मूवमेंट के लिए हमको जितने भी चीज़ों की ज़रूरत है वो सभी कुछ यहाँ पे हो सकते हैं। ठीक है, थैंक यू लिखने के लिए, एटलीस्ट लिख दिया करो, ऐसे मुझे पता चलता है कि आप मुझे सुन रहे हो या नहीं। ठीक है, तो आप यस या थोड़ा सा इंटरैक्टिव रहोगे, लाइक का साइन ही देते रहो, कुछ भी देते रहो, मुझे फील होगा कि कोई मुझे सुन रहा है या समझ रहा है। ठीक है, चलो। यानी ये थ्योरी बोलता है सोशल मूवमेंट तब डेवलप होता है जब इंडिविजुअल विद ग्रीवियंसेस, जिनके पास प्रॉब्लम है, जिनके पास वजह है, आर एबल टू मोबिलाइज, मूव करा सकते हैं सफिशियंट रिसोर्सेज टू टेक एक्शन। एक्शन लेने के लिए कुछ रिसोर्सेज को इधर से उधर मूव करा सकते हैं, जिनके पास इंडिविजुअल ऐसे जिनके पास ग्रीवियंसेस हो। ठीक है, अब इसको आगे और देखते हैं। यानी ये क्या बोलता है, यह वह सामाजिक आंदोलन के विकास और सफलता में संसाधनों के महत्व पर जोर देता है। किस पे महत्व पर जोर देता है? संसाधन ध्यान रखना, यह हमारे मटेरियल पे फोकस करता है, जैसे कि ज्ञान, धन, मीडिया, सत्ता वैधता, एकजुटता, श्रम, इन सब चीजों पे शामिल करने के लिए संसाधनों को यहाँ समझा जाता है। ठीक है, वॉइस नहीं आ रही है किसी को भी? वॉइस नहीं आ रही है क्या? सिद्धांत का तर्क है कि सामाजिक आंदोलन तब विकसित होते हैं जब शिकायत वाले व्यक्ति कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम होते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा क्या होता है, संसाधन जुटाने का सिद्धांत होता है। फाइन, यानी यहाँ पे अगर हमारे पास कोई शिकायत है और उस शिकायत का आंदोलन करने के लिए हम पर्याप्त संसाधन जुटाने में सक्षम हो जाते हैं, तब हम इस क्रांति यानी इस मूवमेंट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इस मूवमेंट की ओर बढ़ते हैं। जैसे बात करते हैं,
बिल्कुल प्रियंका, आई एम एक्सप्लेनिंग इन बोथ मीडियम। यहाँ मैं क्या बोल रही हूँ, रिसोर्सेज जो है हमारे नॉलेज को इंक्लूड करेंगे, मनी, मीडिया, पावर, सपोर्ट, इन सबको, लाइक वेन एवर यू, लाइक फॉर एग्जाम्पल प्रियंका, यहाँ पे समझो, इफ़ आई विल टेल यू कि यू हैव एनी प्रॉब्लम इन योर स्कूल विथ योर मॉनिटर, ठीक है, मॉनिटर से आपको प्रॉब्लम है एंड यू वॉन्ट टू डू द कंप्लेन अगेंस्ट हिम, वॉट यू विल डू फर्स्ट, फर्स्ट यू विल कलेक्ट ऑल द थिंग्स अगेंस्ट हिम, यानी आप जितने भी रिसोर्सेज उस स्टूडेंट के अगेंस्ट होगा, वॉट एवर द रिसोर्सेज अगेंस्ट दैट मॉनिटर, यू विल कलेक्ट दैट एंड वेन एवर यू विल कलेक्ट ऑल द मटेरियल, जब आप सारे मटेरियल उस मॉनिटर के अगेंस्ट में कलेक्ट कर लोगे तो आप क्या कर सकते हो, सभी बच्चे को इकट्ठा करके यू विल कलेक्ट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास एंड यू कैन गो फॉर अ मूवमेंट, यू कैन ask to your teacher that ma'am we don't like this monitor we need a change for the monitor। तो ये क्या है, यहाँ पे आपने अपने complaint के लिए, अपने जो issues हैं उसके लिए आपने resources mobilize किया, सभी resources को create किया, मतलब इकट्ठा किया, ठीक है, collect किया, यानी यहाँ क्या बोल रहा है, there will always be ground for protest, हमेशा एक वजह होना चाहिए आपको protest करने के लिए, ठीक है। दूसरा बोल रहा है यहाँ एक्टर्स आर रेशनल, यहाँ एक्टर किसको बोला है, जो मूवमेंट करेंगे, और रेशनल क्यों बोला है, वो अपने मूवमेंट वो तभी करेंगे, लाइक मैंने अभी मॉनिटर का एग्जांपल दिया, तो आप मॉनिटर के अगेंस्ट तभी जा सकते हो जब आप देखोगे, व्हेन यू विल सी एवरीवन इन सपोर्ट ऑफ यू नॉट ऑफ द मॉनिटर, यानी आप ये मूवमेंट तभी आगे बढ़ाओगे, रेशनली सोचोगे कि आपको ये कितना फायदा देने वाला है, आपको फायदा देने वाला भी है कि नहीं, आप मॉनिटर के अगेंस्ट चले गए और उल्टा ना पड़ जाए, मॉनिटर ही आपका कंप्लेन ना कर दे, तो व्हाट इट विल बी, यानी आप यहाँ पे रेशनल की तरह एक्ट करते हो, दिमाग लगा के काम करते हो, पहले सभी सामान इकट्ठा करते हो और तब आप कंटिन्यू करते हो। यहाँ पे मेंबर्स कहाँ से इकट्ठा कर सकते हैं, अलग अलग नेटवर्क के थ्रू, ठीक है, आइडेंटिटी, कलेक्टिव आइडेंटिटी इकट्ठा करते हैं कि किसको इन इन चीज़ों से प्रॉब्लम है, किसको किसको मॉनिटर से प्रॉब्लम है, हम सबको इकट्ठा करेंगे, वो तुमको भी है आ जाओ मेरे ग्रुप में, तुमको भी है यू ऑल्सो कम, तुमको भी है यू ऑल्सो कम, सभी को हम एक साथ लेके आएंगे और इकट्ठा करेंगे। एंड कंटिन्यूइंग टू नर्चर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, और हम यहाँ पे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो दिस विल बी योर फीचर्स ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। क्लियर है, कोई डाउट, यहाँ पे हिंदी में भी है, आई होप प्रियंका अब मैंने आपको क्लियर किया होगा। आधुनिक राजनीतिक और बहुलवादी समाज के विरोध में आधार होगा, या अब यहाँ पे अभिनेता तर्क संगत हैं और वे आंदोलन की भागीदारी से लागत और लाभ, उनको कितना पैसा लग रहा है, उनका कितना लाभ होने वाला है, सब देखते हैं और तब इस मूवमेंट की ओर जाते हैं। यहाँ पे वो अलग अलग नेटवर्क के माध्यम से उन अलग अलग लोगों को भर्ती किया जाता है और तब मूवमेंट को आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये वो वाला मूवमेंट है। नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है हमारा न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना, ठीक है ना। न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी क्या बोलता है, ये थ्योरी बोलता है यहाँ पे जो इश्यूज होते हैं वो किसके लिए होते हैं, हमारे हक के लिए होते हैं, रैदर कि हमारा सोशल और इकोनॉमिक मटेरियलिस्टिक के लिए होते हैं, ठीक है, रैदर कि हमारे इकोनॉमिक और मटेरियलिस्टिक के लिए होते हैं। लाइक अर्लियर अभी तक हमने दो देखा, व्हाट वी हैव सीन, एक देखा रिलेटिव डिप्राइवेशन, हियर ऑल्सो वी हैव कलेक्टेड अबाउट द इकोनॉमिक, हियर ऑल्सो वी आर टॉकिंग अबाउट द मटेरियलिस्टिक, अगेन वी हैव सीन रिसोर्स मोबिलाइजेशन, हियर ऑल्सो वी हैव सीन अबाउट द इकोनॉमिक, सोशल, मटेरियलिस्टिक, ऑल द थिंग्स, बट वेन वी विल टॉक अबाउट द न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी, यहाँ पे हमारे हक के लिए, वी हैव द राइट, इसके लिए लड़ेंगे कि हमारा ये हक है, गिव दिस राइट टू अस, ये मेरा हक है, इस तरीके से, ठीक है। यानी दो सेंट्रल क्लेम होता है यहाँ पे इस मूवमेंट के लिए, सबसे पहला राइज ऑफ द पोस्ट इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जो हमारा पोस्ट इंडस्ट्री के बाद जो इकोनॉमी का राइज हुआ उसके लिए ये मूवमेंट आया कि यहाँ पे हमें भी हक दो। दूसरा, ये मूवमेंट जो है डिफरेंट है प्रीवियस सोशल मूवमेंट से, जो
इसके पहले जो पढ़े मूवमेंट्स उनसे ये डिफरेंट है। यानी इसका सबसे बड़ा कीवर्ड हमारा क्या है कि ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ता है, ना कि हमारे भौतिकवाद सरकार के लिए, भौतिकवाद मटेरियल के लिए, फिजिकल मटेरियलिस्टिक के लिए ये बात नहीं करता है। फाइन, दिस इज आवर न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी। नेक्स्ट चलते हैं, ये मूवमेंट क्या बोलता है, यहाँ पे प्राइमरी डिफरेंस क्या है, गोल एज अ न्यू मूवमेंट फोकस नॉट ऑन इशू ऑफ मटेरियलिस्टिक, मटेरियल पे फोकस नहीं करता, बल्कि किस पे फोकस करता है, हमारे ह्यूमन राइट पे फोकस करता है। किस पे फोकस करता है, हमारे ह्यूमन राइट पे। ठीक है, जो हैबरमास थे उन्होंने इस सोशल मूवमेंट को इलैबोरेट किया और बोला न्यू पॉलिटिक्स विच का मतलब क्या है, हमारे लाइफ का क्वालिटी होना चाहिए, हमें सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए, हमारा हक होना चाहिए, इन सब पे फोकस करो, ना कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिक्योरिटी पे, इन सब पे नहीं। उनका कहना था कि जो नया पॉलिटिक्स आया है, यानी जो नई गवर्नमेंट आई है, वो हमारे लाइफ के लिए, हमारे सेल्फ रियलाइजेशन के लिए पे फोकस करती है, पैसे और सिक्योरिटी पे फोकस नहीं करती है, हमारे हक के लिए, हमारा जो आत्मविश्वास है उसके लिए लड़ती है। ठीक है, फॉर दैट आवर न्यू पॉलिटिक्स रन। तो यही हमको न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी बोलता है। सो क्लियर है, एनी डाउट? तो यहाँ पे हिंदी में भी यही बोला है कि हमारी आत्म प्राप्ति, हमारा मानव अधिकार, इन सब के बारे में है, और पुरानी राजनीति किसके बारे में है, आर्थिक और राजनीतिक सैन्य सुरक्षा पर केंद्रित थी, लेकिन नई वाली हमारे हक के लिए, हमारे आत्म प्राप्ति के लिए, हमारी गुणवत्ता के लिए, इन सब चीजों के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्या, नो सूर्य प्रकाश, नहीं क्लियर हुआ, नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी। पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी क्या बोलता है, इसके तीन वाइटल कंपोनेंट होते हैं, कौन कौन से, इंसर्जेंट कॉन्साइंसनेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, इंसर्जेंट कॉन्साइंसेस, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ और पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटीज। इंसर्जेंट कॉन्सियसनेस क्या होता है, इसको हम लोग हिंदी में विद्रोही चेतना कहते हैं, विद्रोही चेतना कहते हैं। यानी यहाँ पे किस क्या बोल रहे हो सूर्य प्रकाश, एक बार क्लियर कर दो, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, कोई डाउट है तो बोलो। ये किसकी बात करता है, विद्रोही चेतना, ये विद्रोह करता है, रिवोल्ट करता है डिप्राइवेशन और शिकायतें, ग्रीवियांस के लिए। ठीक है, ये उस चीज का विद्रोह है, ये कलेक्टिव सेंस ऑफ इनजस्टिस है, जब हमको ये फील होता है कि इनजस्टिस हो रहा है हमारे साथ, हमको मूवमेंट चाहिए, हम फील कर रहे हैं डिप्राइव, फील कर रहे हैं, हमको लो फील हो रहा है, हमको इनफीरियर फील हो रहा है, जब हम ऐसा फील करते हैं तब ये विद्रोही चेतना हमारी होती है, इनसर्जेंट कॉन्सियसनेस होती है। ठीक है, विद्रोही चेतना होती है, ये हमारे डिप्राइवेशन और ग्रीवियांसेस के आइडिया को प्रमोट करता है। दूसरा है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ क्या बोलता है, ये जो हमारा किसकी बात करता है, ये बात करता है रिसोर्स मोबिलाइजेशन का। यहाँ पे आर्ग्यू करते हैं कि सोशल मूवमेंट तब ऑर्गेनाइज होगा जब हमारे पास लीडरशिप स्ट्रांग हो, रिसोर्सेज स्ट्रांग हो, सफिशियंट हो तब। यानी ये बोलता है हम पॉलिटिकल प्रोसेस तब स्टार्ट करेंगे, हम रिवोल्ट तब स्टार्ट करेंगे, व्हेन वी विल सी, जब हम ये देखेंगे कि हमारा लीडर जो है बहुत स्ट्रांग है और हमारे पास रिसोर्सेज भी क्या है, सफिशियंट है, बहुत अच्छा रिसोर्सेज है, तब हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तब हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस थ्योरी का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। क्लियर है, और नेक्स्ट है हमारा पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी। तीसरा फैक्टर क्या है, पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी, ये क्या बोलता है, ये बोलता है रिसेप्टिविटी ऑफ वल्नरेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम। यानी हमारा जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम है, अगर
हमारे इफेक्टिवनेस में डिप्रेशन हो रहा है, मतलब डिक्रीज हो रहे हैं, वल्नरेबल है कोई चीज़, तो उसके लिए हम चैलेंज करने की बात करते हैं, अपने उसको अपॉर्चुनिटी बनाते हैं। कोई चीज़ कमी है हमारे पास, किसी चीज़ के लिए हमको एसेस नहीं मिल पा रहा है, तो उन सब चीज़ को हम अपॉर्चुनिटी बनाते हैं और तब ये पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तब क्या करते हैं, इस पॉलिटिकल प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। जैसे देख लो, विद्रोही चेतना पहला, इंसर्जेंट कॉन्सियसनेस जो कि हमारा शिकायत, वंचन, इन सबको संदर्भित करता है। ठीक है, यहाँ पे उनके साथ जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है वो इस संगठन के लिए आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, संगठनात्मक शक्ति, संगठनात्मक संगठन, हमारा संगठन अगर हमारे नेतृत्व मजबूत है, संसाधन पर्याप्त है, तब हम इस शक्ति का इस्तेमाल करके पॉलिटिकल प्रोसेस करते हैं। और तीसरा, राजनीतिक अवसर, जब हमारे पास चुनौती के लिए मौजूदा जो व्यवस्था है राजनीति में उसमें कोई भेदता होती है, उसमें कोई ग्रहणशीलता होती है, तो हम उसको अपॉर्चुनिटी उठा के उसको चैलेंज करते हैं अपने गवर्नमेंट को, और तब इस पॉलिटिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तब हम इस पॉलिटिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। तो क्लियर हुआ सभी को, क्लियर हुआ। अब मैं 5 क्वेश्चंस लेके आई हूँ, वैसे तो टाइम हो चुका है, 6 बज चुका है, बट अगर आप 5 मिनट और एक्स्ट्रा दोगे मुझे तो मैं ये क्वेश्चंस भी करवा दूंगी, इफ़ यू ऑल आर एग्री एंड आपको कोई डाउट पीछे से नहीं है तो। अगर डाउट है तो ये क्वेश्चंस कभी और कर लेंगे, और अगर डाउट नहीं है तो मैं क्वेश्चंस कराना चाहती हूँ, तो आप जैसा बोलो आई विल डू इट। सब कोई रेडी हो, एक बार थम्स वाला साइन दे दो, लाइक वाला साइन दे दो, तो मुझे भी लगेगा कि एवरीवन इज रेडी। क्योंकि अभी मेरी भी क्लास है फिर 7:30 से, तो फिर ओके चलो फिर। तो इस क्वेश्चन को देखो और आंसर दो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है। ठीक है, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में लिखा है ना, हाँ। तो चलो, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, क्वेश्चंस को पढ़ो अच्छे से, पढ़ो और आंसर दो। ठीक है, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ो, आंसर दो। बिल्कुल एकदम सही जवाब दिया है सभी ने यहाँ पर। एकदम सही है यहाँ पे हमारा जवाब, यहाँ पे हमारा क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। ठीक है, यानी थैंक यू चैताली, यहाँ बोल रहा है सोशल मूवमेंट हमारा पर्पसफुल, अभी जस्ट हमने कीवर्ड पढ़ा है, पर्पसफुल है और ऑर्गेनाइज ग्रुप है, पहला कीवर्ड ये मिला। दूसरा क्या बोल रहा है, कैरेक्टराइज बाय कलेक्टिव एक्शन, ये दूसरा क्लियर है। ठीक है, तो दिस इज आवर, बोथ ऑप्शंस आर ट्रू। वेरी गुड टू एवरीवन, वेरी गुड प्रदीप, वेरी गुड अमरीन, वेरी गुड रीटू, बहुत अच्छा। चलो सब ने सही जवाब दिया, गुड सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहे हैं, सोशल मूवमेंट इज एन एफर्ट बाई इंडिविजुअल और सोशल मूवमेंट इज टू ब्रिंग और रजिस्टर चेंज।
वेरी गुड अन्नपूर्णा, वेरी गुड समीर, वेरी गुड रीतू, वेरी गुड प्रणाली, वेरी गुड पल्लवी, वेरी गुड प्रतिभा, बहुत अच्छा, वेरी गुड सूर्य प्रकाश, हिंदी में आपने लिखा, मुझे हिंदी वो नहीं पता। चलो बिल्कुल सही, जिन लोगों ने 4 आंसर दिया है। कैसे, देखो ये कीवर्ड यहीं से पकड़ लो, सोशल एफर्ट क्या इंडिविजुअल हो सकता है? आप बताओ, इंडिविजुअली हम लड़ सकते हैं? अगर मुझे चाहिए कि JRF का 1 साल और इंक्रीज कर दें, कैन आई लर्न? नहीं ना, हम नहीं कर सकते हैं, ये इंडिविजुअल नहीं हो सकता है हमारा। तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया, यानी 1 इज फॉल्स, तो बच्चा क्या 2 ट्रू है बिल्कुल। ये या तो चेंज ला सकता है या तो चेंज को रोक सकता है, ठीक है? तो ये सेकेंड ऑप्शन है। ओके बिल्कुल, जिन लोगों ने 4 आंसर दिया है, वेरी गुड, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करो। ओके ओके सूर्य प्रकाश, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो लोगों के आंसर्स हैं हमारे, कि दिस एम्स टू रिवर्स द सोशल चेंज, दे हाईलाइट द इम्पोर्टेंस एंड ग्रेटनेस ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यू। अब सोचो यहाँ पर हमारा जो है, अगर हम बात करें कि इसकी क्या बोलते हैं, बिल्कुल प्रगति, लेकिन वो मूवमेंट कब बनता है? इनिशिएटिव इंडिविजुअल लेते हैं क्या? जब आप इनिशिएटिव लोगे तो वो मूवमेंट होता है प्रगति? नहीं, मूवमेंट तब होगा जब हम ग्रुप बना करके अब सामने उसको लेकर के आएंगे। आप अकेले खड़े हो जाओगे, दैट विल नॉट अ मूवमेंट। कोई आपको भाव भी नहीं देगा, पूछने भी नहीं आएगा कि क्या है, ठीक है? तो बिल्कुल जिनका आंसर हमारा 3 है, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, बहुत सही है। क्यों? क्योंकि याद करो, इसी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट के साथ हमने क्या पढ़ा था, एक और पढ़ा था यहाँ पर, क्या? रिएक्शनरी मूवमेंट, है ना? एक और पढ़ा था क्या, रिएक्शनरी मूवमेंट, है ना? रिवाइवलिस्ट मूवमेंट को रिएक्शनरी, यहाँ रिएक्शन कर देते हैं हम तुरंत, हमें रिवर्स करना है सोशल चेंज को, तुरंत रिएक्शन कर देते हैं, नहीं नहीं होगा, पुनरुत्थान, वापस से वापस आओ, जो रिवॉल्ट हुआ था वापस आओ, दैट इज द पुनरुत्थान आंदोलन, रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, ठीक है? यानी रिएक्शनरी मूवमेंट, क्लियर है? रिफॉर्म मूवमेंट में हम क्या किए थे, रिफॉर्म मूवमेंट में तो हम क्या किए थे, किसी स्पेसिफिक एरिया में चेंज किए थे। इसमें हम लोग किसी, इसका कीवर्ड क्या था, किसी स्पेसिफिक एरिया में चेंज किए थे। रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट में क्या किए थे, रिवॉल्यूशन ही ले आए थे, क्रांति ले आए थे, पूरा एग्जिस्टिंग को चेंज करना था, टोटल चेंज, एग्जिस्टिंग सिस्टम को चेंज, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, चलो ये वाला करो, ये वाला करो। तो बिल्कुल सही है यहाँ पे सभी का आंसर हमारा, या ये वाला सभी का आंसर हमारा क्या होगा, रिलेटिवली डिप्राइव्ड होगा, एकदम सही, रिलेटिवली डिप्राइव्ड, इनफीरियर, नहीं, ये बड़ा टर्म है ना। देखो अब यहाँ पे समझो, जिन लोगों ने फर्स्ट ऑप्शन दिया है, इस चीज को समझो, ठीक है? कैसे, हम हमेशा एंटी के हिसाब से चलेंगे, तो बड़े आंसर को देखते हैं। बिल्कुल रिलेटिवली इंफीरियर भी हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा टर्म यहाँ पे रिलेटिवली डिप्राइव्ड है, जो कि ऑलरेडी हमारे इंफीरियर टर्म को इंक्लूड कर दिया, क्योंकि हम यहाँ पे क्या फील कर रहे हैं, साइकिल नहीं है हमारे पास और दूसरा के पास फरारी है, अपने आप को डिप्रेविड फील कर रहे हैं, अपेक्षाकृत वंचित हो रहे हैं, है ना, रिलेटिवली डिप्राइव फील कर रहे हैं। दिस इज अ वाइडर टर्म, और NTA का जब भी क्वेश्चंस बनाओगे, जब भी आप PYQ करोगे, तो NTA एकदम ऐसे ही क्वेश्चंस देते हैं,
जो आस पास हो, तो आपको उसमें से जो वाइडर टर्म है उसको सेलेक्ट करना है, जो बड़ा टर्म है, छोटा टर्म नहीं, ठीक है। डिप्राइव में हम सब कुछ ले सकते हैं, यहाँ इंफीरियर में सिर्फ इंफीरियरिटी हो गया, लेकिन डिप्राइव में सिर्फ इंफीरियरिटी नहीं है, यहाँ से सिर्फ इंफीरियरिटी नहीं हुआ, यहाँ से मेरे पास वो चीज़ भी नहीं है, सामान नहीं है, वो चीज़ साइकिल मेरे पास है, उसके पास फरारी है, बड़ा बड़ा वाला गाड़ी में घूमेगा, बहुत तेज बन रहा है ना, तो डिप्राइव फील कर रहे हैं हम, तो डेट इज अ रिलेटिवली डिप्राइव्ड, ठीक है, क्लियर है। ओके चलो, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद सेशन को खत्म करेंगे, ऑलरेडी हम लोग 10 मिनट्स लेट चल, आई मीन ज्यादा चल रहे हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ये बोल रहा है ये क्वेश्चन कि ह्यूमन राइट पे फोकस करेगा रैदर की मटेरियलिस्टिक पे, तो बता दो कौन सा वाला है ये। प्रगति आई मीन प्रगति इंफीरियरिटी क्या फील करेंगे हम, हर इंफीरियर फील कर सकते हैं जब हमको कोई मेरे पास उसके पास कोई बहुत सारा नॉलेज हो और वो फील हम उसमें भी कर सकते हैं इंफीरियरिटी, लेकिन मेरे पास उस ऑप्शन में, उस क्वेश्चन में मेरे पास बड़ा टर्म था रिलेटिवली डिप्राइव, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे रिलेटिवली डिप्राइव का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारा न्यू सोशल मूवमेंट थ्योरी है, एकदम सही, वेरी गुड। हाँ, नया सामाजिक आंदोलन, यही हमारे ह्यूमन राइट पे फोकस करता है। तो आई होप अब मेरा ये कंटेंट खत्म हो गया है, आई होप कि मैंने आपको सारा डाउट क्लियर किया होगा, कोई भी डाउट आपका नहीं रह गया होगा, अगर कोई भी डाउट रह गया है या मैंने कोई चीज़ गलती की हो या अच्छे से नहीं समझाया हो तो सॉरी फॉर डैट, प्लीज़ फीडबैक ज़रूर देना कि कैसा लगा आपको, है ना। आई होप कि आप लोगों का मैंने टाइम वेस्ट नहीं किया हो, बहुत अच्छे से आप लोगों को हर कुछ समझाया है, एक एक कीवर्ड्स के साथ समझाया है, एंड कोई भी चीज़ आपका जो है वो मैंने छोड़ा नहीं है, मतलब अब आप इससे जितना क्वेश्चंस चाहो तो आराम से बना सकते हो, आपको क्वेश्चंस में कभी कोई गलती नहीं होगी, मैंने ये पूरी अपनी तरफ से कोशिश की है। सो कैसा लगा क्लास फीडबैक दे देना, ओके। विल ट्राई प्रगति, आई मीन पल्लवी विल ट्राई, आई विल, ओके संदीप, आई विल ट्राई, ठीक है फिर। ओके देन मैं लाइव सेशन को एंड करती हूँ, ठीक है। ओके फिर चलते हैं, विल लव टू कनेक्ट विथ यू ऑल इन अदर सेशन ऑल्सो, ओके।